दिस कंपनी ट्रीट्स ब्लैंक स्टाफ लाइक फैमिली कंपनी जो है यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है एंड कंपनी का अप्रोप्रिएट पॉसिसिव नाउन क्या हो जाएगा इट्स दैक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन फोर द बॉय ब्लैंक ऑफ द वेपर टू ओपन हिज बर्थडे प्रेजेंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिप्ट जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी फाड़ना फोर्सफुली फाड़ देना सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्वेश्चन फाइव टेक योर चांस बट दिस इज़ अ ब्लैंक रिस्की वेंचर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रैदर क्वेश्चन सिक्स प्रॉपर्टी प्राइजेस इन दिस एरिया हैव ब्लैंक थ्रू द रूफ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑप्शन बी शॉर्ट थ्रू द रूफ जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक्सट्रीम या अनएक्सपेक्टेड हाइट पहुँच जाना तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइजेस के बारे में बात की जा रही है दैट हैज शॉट थ्रू द रूफ वो हम कहते हैं ना हिंदी में आसमान छू गया है महंगाई क्वेश्चन सेवन द होल प्रोजेक्ट इज अ मेस ब्लैंक जतिन इज वेरी पॉजिटिव अबाउट मेकिंग इट वर्क ये होल प्रोजेक्ट इज मेस बट जतिन फिर भी कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर यूज़ हम करने वाले हैं हाउ ए ऑप्शन ए क्वेश्चन एट यू हैवेंट मेट माय सिस्टर ब्लैंक ये जो सेंटेंस दिया गया है उसके बाद हमें टैक क्वेश्चन यूज़ करना है तो टैक क्वेश्चन एक, एक तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट के एंड में हम लगाते हैं तो कंफर्म द स्टेटमेंट तो यहाँ पर ये जैसे पूछ रहा है तुम मेरी बहन से नहीं मिले हो मिले हो क्या तो ये हम कन्फर्मेशन मांग रहे हैं सो वी आर गोइंग टू यूज़ ऑप्शन सी हैव यू क्वेश्चन नाइन रोहन इज ब्लैंक दैट ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर द ब्लंडर हियर वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड ऑप्शन ए इंसिस्टेंट जिसका मतलब होता है आग्रह करना रोहन जो है अनुरोध कर रहा है कि उसे ब्लेम नहीं करना है ब्लंडर के लिए क्वेश्चन टेन सरिता इज ब्लैंक एनिमल लवर शी लव्स कैट्स एंड डॉग्स स्पेशली यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो है ऑप्शन बी एन एनिमल लवर क्वेश्चन इलेवन ब्लैंक यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्ट्स योर नॉलेज करेक्ट ऑप्शन इज वॉट ऑप्शन डी क्वेश्चन ट्वेल्व द रिजल्ट ऑफ द डिबेट कॉम्पिटिशन स्टिल ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए पेंडिंग क्वेश्चन थर्टीन माई मदर रिफ्यूज टू लेट मी गो आउट एंड प्ले ब्लैंक आई फिनिश्ड माई होमवर्क यहाँ पर मदर ने कंडीशन डाल दी है तो हम यूज करेंगे अनटिल जब तक मेरा होमवर्क पूरा नहीं होगा मदर बाहर जाके खेलने नहीं देगी ऑप्शन डी अनटिल क्वेश्चन फोर्टीन द पर्पज ब्लैंक द मीटिंग इज टू डिस्कस अबाउट द प्रिपेरेशन ऑफ एनुअल फंक्शन यहाँ पे जो प्रपोजिशन हम यूज करने वाले हैं वो है द पर्पस ऑफ ऑप्शन बी ओ एफ ऑफ नॉट ओ डबल एफ ओ डबल एफ का मतलब होता है बंद हो जाना सो ऑप्शन बी ऑफिस द करेक्ट आंसर हियर क्वेश्चन फिफ्टीन सोमा प्लीज टेक दिस फाइल टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस हर टीचर सेट सोम टीचर ब्लैंक टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टीचर हर टू टेक दैट फाइल टू द प्रिंसिपल ऑफिस क्वेश्चन ब्लैंक यू माइंड बाइंग सम मिल्क ऑन द वे होम यहाँ पर हम यूज करने वाले ऑप्शन है वुड और वुड जो है दैट इज अ फॉर वे टू समवन टू डू समथिंग क्वेश्चन 17 मिसेस शाह एंड हर चिल्ड्रन ब्लैंक प्रैक्टिसिंग योगा यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं सो हम यूज करने वाले हैं ऑप्शन ए वर प्रैक्टिसिंग योगा क्वेश्चन एटीन साइमा प्रोमिस्ड ब्लैंक टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन सो तो यहाँ पे करेक्ट तो ऑप्शन हो जाएगा नेवर टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन दोबारा कभी मिस्टेक नहीं करने का प्रॉमिस किया है क्वेश्चन टू ट्वेंटी करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड क्वेश्चन नाइनटीन ईच ऑफ़ माई सिबलिंग्स विल गेट अ न्यू आउटफिट यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है दैट इज ईच यहाँ पे ईच एज ए ग्रुप नहीं यूज़ किया जा रहा है उससे हम एम्फोसाइज कर रहे हैं कि हर एक सिबलिंग को इंडिपेंडेंटली हमें कंसिडर करना है मतलब हर एक सिबलिंग को अपना एक आउटफिट मिलने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है वर्ड्स जैसे कि ईच आइदर नाइदर एज ए ग्रुप नहीं यूज़ किया जाता है दे आर यूज इंडिविजुअली तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्वेश्चन ट्वेंटी माई मदर वॉज योनिंग यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है दैट इज वॉज योनिंग यहाँ पे जो ये वर्ब है वॉज योनिंग ये अपने आप में ही एक सेंस बना रहा है दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस ये दिए गए वर्ब के बाद कोई ऐसा फ्रेज या सेंटेंस नहीं है जिससे कि हम क्वेश्चन पूछें वॉट या होम तो हमें आंसर मिलेगा योनिंग जो है एक एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट मदर का जो कि वो परफॉर्म कर रही है इट डज़ नॉट एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इन ट्रांजिटिव वर्ब क्वेश्चन ट्वेंटी वन यस्टरडे आई टुक माई डॉग टू द वेट फॉर अ रूटीन चेकअप इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है माई यहाँ पे जो वर्ड है माई वो हमें किस चीज़ का इंफॉर्मेशन दे रहा है डॉग का इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसको बिलोंग करता है डॉग स्पीकर को तो ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को और ये कौन करता है एडजेक्टिव करता है तो यहाँ पर माई क्या हो जाएगा ऑप्शन डी एडजेक्टिव फॉर क्वेश्चन ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर क्वेश्चन ट्वेंटी टू देर वॉज द बॉय इन सुमिथस क्लास नेम्ड सौरभ यहाँ पे जो एरर है वो है ध जो बॉय के आगे ऐड किया गया है आर्टिकल थ की जगह पे यहाँ पर हम आर्टिकल ऐड करेंगे थैर वॉज अ बॉय सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री माई मदर वॉज अपॉलिंग वेन शी हर्ड दिस यहाँ पे जो इनकरेक्ट वर्ड है दैट इज द यूज ऑफ अपॉलिंग अपॉलिंग जो है एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हॉरीफाइंग शॉकिंग और एक्सट्रीमली बैड यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा माई मदर

हमें कहना होगा कि इन एडिशन टू नितिन और स्टूडेंट्स की भी नितिन ने बोली की थी सो so, यहाँ पे एक्चुअल वर्ड होना चाहिए बिसाइड्स सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन विद करेक्ट स्पेलिंग क्वेश्चन ट्वेंटी स्पेलिंग ऑफ द वर्ड विच मीन अनहेपी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्रेस्ट फॉलन जिसका मतलब हो जाता है सैड एंड डिसअपॉइंटेड दुखी होना क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड विच मीन चार्मी बिगा ट्वेंटी का मतलब होता है किसी को फ्री छोड़ना फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सक्यूज क्वेश्चन ट्वेंटी एट मेलिशियस का सिनोनिम बताना है तो मैलिशियस का मतलब हो, होता है विकेड या फिर कुछ ऐसी सोच कि हम किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं हार्म करना चाह रहे हैं तो उसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी नेस्टी फॉर क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी चूज द करेक्ट ऑफ द गिवन वर्ड ट्वेंटी नाइन ऑस्पीशियस ऑस्पीशियस का मतलब होता है शुभ अच्छा उसका ऑपोजिट क्या होगा ओमिन्य जिसका मतलब होता है अशुभ ऑप्शन ए क्वेश्चन थर्टी प्रिजाम्पन तो प्रिजाम्शन का मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा रियलिटी सच्चाई तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन थर्टी वन टू थर्टी फाइव रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज केयरफुली आप रीड कर लीजिए Question 31 Which of the following physical characteristics of a bird does a turtle possess? Correct answer is option C A turtle has a beak just like a bird. Question 32 Which of the following is an exceptional case of a bird? Correct answer is option B Cuckoos lay their eggs in the nests of other birds, leaving to them the hatching and rearing of their young ones. Question 33 Why do naturalists think birds are the most distinct class in the animal kingdom correct answer is option a because birds have much greater linguistic abilities than any other animal except humans and have familial and social structure similar to those of the human race question 34 choose the statement which is incorrect based on the passage करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अ मैन इज इंडेपेड टू नो वन फॉर हिज फर्स्ट लेसन द दॉटर एज वेल एज फॉर हिज आइडियाज अबाउट क्वेश्चन इन द द पैसेज वर्ड इनक्यूबेट मीन्स ऑप्शन बी टू कीप समथिंग सेफ एंड वॉर्म और ये जो वर्ड है इनक्यूबेट यह आपको फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन में मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप उसको पूरा रीड कर सकते हैं For questions 36 to 40 read the passage and answer the following questions. Question 36 choose the suitable title for the given passage. Correct answer is option A Sudoku a game of logic. Question 37 what is the antonym of the word fiendish? fiendish का मतलब होता है शैतानी या दुष्ट तो जिसका मतलब होता है एविल इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा काइंड जेंटल या हार्मलेस तो आंसर में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिनाइन। क्वेश्चन 38 व्हाट इज द वन टू रिमेंबर टू सॉल्व अ सुडोकू पजल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अ नंबर कैन ओनली अपीयर वंस इन एवरी रो एंड कॉलम Question 39 Choose the statement which is correct based on the passage. Correct option is C The more numbers you are given to start off with, the easier the puzzle. Question 40 What is the objective of playing a Sudoku puzzle? Correct answer is option B to fill in the digits from 1 to 9 so that it appears only once in each column, row, and small 3 by 3 square. For questions 41 to 45, choose the correct option to complete each conversation. Question 41. Teacher. Jatin. This is not coming together. I believe you should go back to the blank board. Correct answer is option C. Drawing. Question 42. Ria, Misha is really enjoying her London walk trip. Neetu. True. She is having best of both blank. एक फ्रेज है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जिसका मतलब होता है एडवांटेजेस या बेनिफिट्स दो चीजों का एक सिचुएशन या एक समय में लेना करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी वर्ल्ड्स क्वेश्चन थ्री केतन वाई इज सनी सस्पेंडेड गौरव हिज कंडक्ट इज बैड एंड हिज ऑनेस्टी इज नॉट ब्लैंक सस्पिशियन नॉट अबाउट सस्पिशियन का मतलब होता है किसी चीज पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर डाउट्स हैं सो so, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन फोर्टी फोर रमेश सुधीर सोल्ड हिज ओनली प्रॉपर्टी बिकॉज ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डेप्त डेप्ट मीन्स मनी डेट यू ओव टू एल्स जिसको हम कहेंगे कर्जा या उधारी क्वेश्चन फोर्टी फाइव ईशान वाई इज मोहित लुकिंग सो कंफ्यूज प्रवीण आई गेस ही इज स्टिल ट्राइंग टू ब्लैंक द जोक करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फिगर आउट किसी चीज को समझना तो प्रवीण क्या है अभी तक जो को समझने की कोशिश कर रहा है फॉर एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन फोर्टी सिक्स माई फादर इज अ पायलट ही लवस बींग पार्ट ऑफ ब्लैंक इंडस्ट्री करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एविएशन

क्वेश्चन फोर्टी एट चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड द वर्ड इज सगैशियसैशियस का मतलब होता है ज्ञानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत वाइज हो और जिसको पास गुड जजमेंट की क्वालिटी हो तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी जुडिशियस क्वेश्चन फोर्टी नाइन चूज द करेक्ट एंट ऑफ द गिवन वर्ड द वर्ड इज ऑप्सोलिट ऑप्सुलट मतलब होता है पुराना ओल्ड तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा मॉडर्न तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन फिफ्टी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द कॉन्वर्जेशन करिश्मा नीड्स टू नो एवरी थिंग शी इज सच एन ईगर ब्लैंक ईगर बीवर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत हार्ड वर्किंग हो एंथोसियास्टिक हो एंड इज वेरी एक्साइटेड तो यहाँ पर वर्ड इज Eager beaver, that is option B.